चलिए, स्क्रीन सभी को क्लियरली विजिबल है? स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल? एक बार क्लियर टाइप कर दीजिए सभी। स्क्रीन इज क्लियर ना? हाँ, चल। सो द नेम ऑफ द सब्जेक्ट दैट वी हैव टू स्टार्ट इज कॉल्ड एज नेटवर्क थियरी। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज टू व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड देन विल मूव ऑन टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट ऑफ इट। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट के अंदर हम करने क्या वाले हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। सी, वी शैल हैव अ सिस्टम और शुड आई से अ नेटवर्क कंटेनिंग बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस विल बी देयर। You will have sources of energy connected to the system, which will energize the system or the network. So let me call that part of the circuit as E of T. And what is this E of T? It is excitation. And when you give an excitation to the system, सो देर इज जनरेटेड सम रिस्पॉन्स। भाई कोई एक क्लोज सर्किट है, आप उसको एनर्जाइज करते हो तो एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। दैट रिस्पॉन्स कैन बी देन दिस वोल्टेज, दैट रिस्पॉन्स कैन बी दिस करंट और सम पावर एब्जॉर्ब समवेयर, और किसी पॉइंट का वोल्टेज और किसी पॉइंट का करंट। आपको पता है कोई एक क्लोज नेटवर्क है, उसको आप जैसे एनर्जाइज करोगे तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे वोल्टेजेस जनरेट होंगे, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस में करंट फ्लो होगा। तो ये क्या है, ये सिस्टम का रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। एक्साइटेशन मतलब आपने जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी कनेक्ट किए, वेदर वोल्टेज सोर्सेस और करंट सोर्सेस और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट और व्हाटएवर। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग एज द रिस्पॉन्स। वी नॉट, आई नॉट और व्हाटएवर इज द रिस्पॉन्स। दिस इज योर एक्साइटेशन एंड दिस इज योर नेटवर्क और द सिस्टम। तो ये तीन चीजें आपको नजर में आ रही है। नाउ बेसिकली हम इस सब्जेक्ट में करने क्या वाले हैं, या जनरली किया क्या जाता है, अगर मैं ब्रॉडर सेंस में थोड़ी पहले बात करूं तो देखिए, तीन चीजें आपके पास है। तीन में से अगर दो आपके पास हो, तीसरी को आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आपके पास एक्साइटेशन है और नेटवर्क आपको गिवन है कि भाई ये रहा नेटवर्क और 230 वोल्ट के एसी से इसको एक्साइट किया, अब बताओ क्या होएगा। लोड लगाया रेजिस्टेंस, वो कितना करंट उसके थ्रू फ्लो होगा, कितना वो पावर एब्जॉर्ब करेगा, सोर्स का पावर फैक्टर क्या होगा। ठीक है, मतलब एक्साइटेशन आपको क्लियरली पता है क्या है, नेटवर्क आपको क्लियरली पता है क्या है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट, यू नीड टू फाइंड आउट द रिस्पॉन्स। दिस प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज द एनालिसिस। इसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, एनालिसिस इज सिंपली डन यूजिंग केवीएल एंड केसीएल। ऑलराइट, ये पूरा सब्जेक्ट इन अ नटशेल इफ आई से कि ये पूरा सब्जेक्ट क्या है, दिस एंटायर सब्जेक्ट नेटवर्क थियरी इज नथिंग बट अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ केवीएल एंड केसीएल। केवीएल और केसीएल का सिस्टमेटिक एप्लीकेशन है। कोई भी चीज होगी वो केवीएल केसीएल पे ही आ जाएगी ले दे के। ठीक है, तो एक्साइटेशन गिवन है, नेटवर्क गिवन है, रिस्पॉन्स आप निकालेंगे, उसको कहते हैं हम क्या, एनालिसिस करना। और अगर एक्साइटेशन आपको पता है, रिस्पॉन्स पता है,
और आपको निकालना है या डिजाइन करना है सिस्टम या नेटवर्क। एक्साइटेशन आपको पता है, रिस्पॉन्स पता है, भाई 230 वोल्ट का एसी देना है, 50 वोल्ट का डीसी चाहिए। एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स दोनों पता है ना आपको। आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाए, 230 वोल्ट का एसी ले लो, 10 वोल्ट से 30 वोल्ट तक का डीसी निकाल के दो। तो आपके पास क्या है वो आपको पता है, आपको क्या चाहिए वो आपको पता है, बीच का सिस्टम आप डिजाइन करो। टू डिजाइन मीन्स टू सिंथेसाइज एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिंथेसिस। इसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। सो फार एज क्वेश्चन ऑफ गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज कंसर्न, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द सिंथेसिस पार्ट। व्हाट वी आर सपोज टू डू इज दिस ओनली। ठीक है, हमें यही करना है। मतलब एक्साइटेशन आपको पता होगा, सर्किट आपको पता होगा, कहीं का वोल्टेज, कहीं का करंट, कहीं का पावर फैक्टर, कहीं का पावर एब्जॉर्ब, कहीं का पावर डिलीवर्ड, कहीं का रिएक्टिव पावर, कहीं का एक्टिव पावर, कहीं का फेजर डायग्राम पूरे सर्किट का, ये सब आपको निकालना रहेंगे। ठीक है, सिंथेसिस की थोड़ी सी झलक टू पोर्ट नेटवर्क में मिलती है, तो जब हम टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ेंगे तब मैं इस वाले पार्ट की बात करूंगा। ठीक है, तो अब मैं चाहूंगा आपका अटेंशन टू व्हाट आई हैव रिटन विद इन द बॉक्स। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज अ लीनियर एलिमेंट? क्या आप चैट बॉक्स में बताएंगे जरा मुझे, लीनियर एलिमेंट से क्या समझते हैं आप? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीनियर एलिमेंट? लीनियर एलिमेंट किसको बोलते हैं भाई? तीन एलिमेंट आपको मिलेंगे ना नेटवर्क में, आपको पता है आर एल और सी है ना। तो आर एल और सी आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। ठीक है, फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी सुपरपोजिशन होमोजेनिटी। अच्छा, अच्छी बात है। और बताइए भाई, कुछ लोगों ने दिया है आंसर? अच्छा ठीक है, अच्छा ये तीन एलिमेंट्स आपको नजर आने वाले हैं। पहला ये, दूसरा ये, ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स शेल बी देयर। सो लेट मी राइट द करंट्स। तो ये तीन एलिमेंट्स में से आपको क्या लगता है, कौन से लीनियर है, कौन से नॉन लीनियर? कैन यू प्लीज टेल मी, ये तीन में कौन से लीनियर है, कौन से नॉन लीनियर है? एनीवन, आउट ऑफ दीज थ्री विच आर लीनियर विच आर नॉन लीनियर? अच्छा, स्नेहल सेज ऑल आर लीनियर। अच्छा, बाकी लोगों का क्या कहना है भाई?
हर्षदा सेज ऑल आर लीनियर। ठीक है, देखो अभी देख लेते हैं कि लीनियर एलिमेंट बोलते किसको हैं। ठीक है, लीनियर एलिमेंट की डेफिनेशन में जो लोग फिट बैठते होंगे वो लीनियर होंगे, अदरवाइज नॉन लीनियर होंगे। नाउ आई राइट दीज इक्वेशन विच यू आर वेरी मच फेमिलियर विथ। ये तीन इक्वेशंस आपको पता है। नाउ व्हाट्स अ लीनियर एलिमेंट? व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट एंड द करंट थ्रू द एलिमेंट आर आइदर डायरेक्टली रिलेटेड, दे आर आइदर डायरेक्टली रिलेटेड और रिलेटेड बाय सम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एलिमेंट के अक्रॉस अपीयर होने वाला वोल्टेज और एलिमेंट के थ्रू फ्लो होने वाला करंट या तो डायरेक्टली रिलेटेड हो या दे आर रिलेटेड बाय सम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सच एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ लीनियर एलिमेंट। है ना, वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो बचपन में आपने पढ़ा भी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे वीआर और आईआर के बीच में। ठीक है ना, और बाकी दो में वोल्टेज और करंट दे आर रिलेटेड बाय सम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट्स क्लियर टू यू? है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इस एलिमेंट को हम लीनियर एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने कुल मिलाकर के नेटवर्क होगा, उस नेटवर्क के अंदर लीनियर एलिमेंट्स होंगे। नाउ अदर टर्म्स यू आर फेमिलियर विद, बायलेटरल मतलब करंट कैन फ्लो इन आइदर डायरेक्शन, लाइक अ डायोड। अ डायोड इज अ यूनिलेटरल एलिमेंट, लाइक राइट। अ ट्रांजिस्टर इज अ यूनिलेटरल एलिमेंट, इट विल अलाउ करंट ओनली टू फ्लो इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट आर एल एंड सी दे विल अलाउ करंट टू फ्लो इन आइदर डायरेक्शन। द पोटेंशियल विल डिसाइड विच डायरेक्शन विल द करंट फ्लो। ठीक है ना, पोटेंशियल डिसाइड करेगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, जबकि डायोड में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ट्रांजिस्टर में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो हमारे सामने जो सर्किट्स आने वाले हैं उसमें डायोड और ट्रांजिस्टर आने वाले नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक पूरा सब्जेक्ट अलग से है, वो आप वहां पढ़ते हो। एक्टिव एलिमेंट द वन विच इज सप्लाइंग एनर्जी टू द रेस्ट ऑफ द सर्किट, पैसिव एलिमेंट द वन विच इज कंज्यूमिंग एनर्जी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्किट। ऑलराइट, तो इनसे बना हुआ हमारे पास नेटवर्क होगा जिसका कि हमें एनालिसिस करना है यूजिंग फंडामेंटल्स ऑफ केवीएल एंड केजीएल। ऑलराइट, नाउ आई विल आस्क अ फ्यू वेरी क्विक क्वेश्चंस टू यू। आप मुझे बताइए, एक रेजिस्टेंस मेरे पास है 5 ओम का है, इसमें से 4 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, इस 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? कैन यू टेल मी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस? सभी लोग बताइए। है ना, 20 वोल्ट होगा, बहुत ही सुंदर। तो 20 वोल्ट शेल बी द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा, ये 20 वोल्ट की पोलैरिटी कैसी होगी भैया? इस 20 वोल्ट की पोलैरिटी कैसी होगी? जी सभी लोग बताइए कैसी होगी पोलैरिटी इसकी? यहां प्लस यहां माइनस, बराबर ना? बराबर बात। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा, ये रेजिस्टेंस है, ये पावर
एब्जॉर्ब करता है कि डिलीवर करता है? रेजिस्टेंस पावर एब्जॉर्ब करता है कि डिलीवर करता है? एक रेजिस्टेंस पावर को एब्जॉर्ब करता है या पावर डिलीवर करता है? पावर देता है क्या रेजिस्टेंस, या कंज्यूम करता है, एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब करता है ना? पहली चीज, व्हेन वी आर स्टार्टिंग नेटवर्क थियरी टुडे, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लर्न इज, ध्यान देंगे, ये करंट इसके पॉजिटिव पोलैरिटी में एंटर कर रहा है, बराबर बात? करंट जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी में एंटर करता है, रेजिस्टेंस है. सो व्हाट इज द पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी नोटेड डाउन. ठीक है, इसके एग्जाम्पल में अभी आगे दे रहा हूं. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. इसके ऊपर क्लियर एंड नोटेड टाइप कर दीजिए आप, क्लियर एंड नोटेड, फिर आगे बढ़ता हूं. Now let us understand it with the help of some examples. Say, this is 8 volts, this is 2 amperes. से समथिंग लाइक दिस. एक एक करके एक एक डायग्राम को आप देखिए, ए बी सी एंड डी. ए के ऊपर अब आपकी नजरें आप गड़ा लो. ए को आप देखते हो
8 वोल्ट के पॉजिटिव से 2 एम्पियर निकल रहा है, क्या ये एकदम क्लियरली विजिबल है आपको? 8 वोल्ट के पॉजिटिव से 2 एम्पियर निकल रहा है, मतलब 16 वॉट्स इज गेटिंग डिलीवर्ड। भाई डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट में वोल्टेज इनटू करंट पावर होता है, डायमेंशनली तो वोल्टेज इनटू करंट ही होता है पावर, चाहे डीसी सर्किट हो या एसी सर्किट हो, ठीक है। डायमेंशनली व्हाट इज पावर? वोल्टेज इनटू करंट। और ये तो डीसी सर्किट है, तो कोई पावर फैक्टर वार फैक्टर भी यहाँ नहीं है, पावर फैक्टर आएगा आगे एसी सर्किट में। तो वोल्टेज इनटू करंट इज व्हाट? सिंपली वॉट्स। डी इज फॉर डिलीवर्ड, मतलब ये वोल्टेज सोर्स 16 वॉट्स डिलीवर कर रहा है। सेकेंड में आप देखो बी के अंदर, ना यू कैन इजिली रिलेट एंड राइट सी। सी इज फॉर कंज्यूम, ठीक है, ये कन्वेंशन अभी हम फिक्स कर लेते हैं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डी विल बी यूज फॉर डिलीवर्ड, सी विल बी यूज फॉर कंज्यूम, ठीक है। सी का बोलिए भाई, सी और डी का आप बताओ जल्दी से। सी और डी का आप बताइए, कितना डिलीवर्ड कितना कंज्यूम? सी क्या कर रहा है? डिलीवर के कंज्यूम। देखो पॉजिटिव में से करंट बाहर आ रहा है तो डिलीवर होता है, पॉजिटिव में करंट अंदर आता है तो कंज्यूम होता है। तो बताइए सी और डी क्या कर रहा है? थर्टी वॉट्स डिलीवर्ड, यहां पर 6 एम्पियर 10 के पॉजिटिव में आ रहा है, डी के अंदर 10 के पॉजिटिव में 6 एम्पियर एंटर कर रहा है, तो इट इज 60 वॉट कंज्यूम। किसी भी सर्किट के अंदर पावर एब्जॉर्ब्ड और पावर कंज्यूम्ड, सॉरी पावर एब्जॉर्ब्ड और पावर डिलीवर्ड हमेशा बराबर होंगे। किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर पावर एब्जॉर्ब्ड और पावर डिलीवर्ड बराबर होंगे। अगर कोई रेजिस्टेंस है तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है आई स्क्वायर इंटू आर, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस अभी हमने बनाया, मैं आपको बोलू वॉट इज द पावर एब्जॉर्ब बाय दिस? नाउ देर आर मेनी वेज ऑफ राइटिंग इट। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, राइट, आई स्क्वायर आर, और सिंपली वोल्टेज इंटू करंट अक्रॉस द एलिमेंट, ठीक है। तो किसी भी सर्किट में पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू पावर डिलीवर्ड होता है, पावर बैलेंस रहता है हमेशा, पावर निकल के कहीं चला नहीं जाएगा सिस्टम से, या सिस्टम में कहीं से आ नहीं जाएगा, ठीक है। जो कुछ सिस्टम में जनरेट होगा वही सिस्टम में लॉस होके और कंज्यूम होके और खत्म हो जाएगा किसी और फॉर्म में, इट विल गेट कन्वर्टेड, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो शुरू शुरू में जब आप डीसी सर्किट सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये प्रैक्टिस मेंटेन करेंगे कि उसने जो क्वेश्चन में पूछा है वो तो हम निकालेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम पावर बैलेंस प्रूव करेंगे। पावर बैलेंस प्रूव करने से क्या होता है, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज और उसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट हम लोग निकाल लेते हैं। और हर एक एलिमेंट का वोल्टेज और करंट आपने निकाल लिया तो फिर निकालने का कुछ बचा नहीं सर्किट में, जो जो निकल सकता था सब निकल आया, ठीक है। सो इनिशियली इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू प्रूव द पावर बैलेंस टू गेट द फंडामेंटल कंसोलिडेशन, और वही अब हम आगे करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज हमने सीखी पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर्ड, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप मुझे बताएंगे कैन यू टेल मी द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है?
व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए? ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक, अच्छा, कैन यू टेल मी द पोटेंशियल एट पॉइंट बी? कैन यू टेल मी द पोटेंशियल एट पॉइंट बी? हर्षदा, इज इट प्लस और माइनस? माइनस है। ये थोड़ी सी नॉइज आएगी अभी, एक दो मिनट रहेगी फिर चली जाएगी। हाँ, सो दिस इज -20 वोल्ट्स। नाउ से दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ओ। आपको पता है ये आपका रेफरेंस होता है जो कि आप चूज करते हो सिस्टम के अंदर, विच इज अ पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। रेफरेंस मतलब क्या? अ पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। ठीक है, जो कि आपको चूज करना होता है। भाई कोई भी मेजरमेंट आप लो तो आपको एक रेफरेंस पता होना चाहिए। एक लाइन सेगमेंट आपके सामने है, मैं बोलूं कि लाइन सेगमेंट ए बी है, उसका मेजर करके बताओ, तो आप स्केल लोगे और स्केल का जीरो कहीं ए पे रखोगे ना, तो ए पे जीरो रखोगे तो बी की जो रीडिंग होगी वो आपकी रीडिंग होगी। ऑलराइट, सिमिलरली किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल अगर आपने मेजर करना है सर्किट में, अब सर्किट के अंदर 10 पॉइंट्स हैं, उन 10 पॉइंट्स का वोल्टेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपका रेफरेंस कहां पे है। तो पहली चीज, जब भी नेटवर्क सॉल्व करना शुरू करेंगे आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेफरेंस को फिक्स कर देंगे। सबसे पहला काम नेटवर्क शुरू करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि वेयर डज योर जीरो लाइ। इज इट नेसेसरी टू चूज एनी पॉइंट एज रेफरेंस? नो, यू कैन चूज वॉट एवर पॉइंट एज द रेफरेंस, बट यू मस्ट चूज। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट को रेफरेंस चूज कर सकते हो, लेकिन रेफरेंस चूज करना आपको है ही, है ना। जैसे मैं आपसे अगर अभी कहूं, आप सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि हाउ फार इज द एयरपोर्ट, अगर मैं आप सभी से पूछूं हाउ फार इज द एयरपोर्ट, तो आप सभी का आंसर अलग अलग होगा कि नहीं? यस या नो टाइप करो। आप सभी का आंसर अलग अलग होगा। आप सभी का आंसर अलग अलग इसलिए होगा क्योंकि आप अभी जिस जगह पे बैठे हो, आप सभी मान लोगे कि ये 0 किलोमीटर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप सभी मान लोगे कि मैं अभी 0 किलोमीटर पे बैठा हूं या बैठी हूं, राइट? तो अगर अभी आप 0 किलोमीटर पे हो और जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो आपके यहां से एयरपोर्ट का, आप कोई एक कोई मुझे आंसर देगा 20 किलोमीटर है, कोई बोलेगा 30 है, कोई 50 है, कोई 100 बोलेगा, ठीक है, तो भी आपने 0 माना ना, जहां आप बैठे हो उसको आपने 0 माना ना। लेकिन अगर मैं आप सभी से पूछूं कि भाई कोई एक कॉमन प्लेस है से सीएसटी, सीएसटी से एयरपोर्ट कितना दूर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आप सभी का आंसर सेम होगा कि नहीं? यस या नो? ठीक है, क्योंकि मैंने आप सबको क्या बोल दिया, मैंने आप सबको बोल दिया कि जो सीएसटी है ना, सीएसटी वहां पे 0 रख दो आपका, तो आप सभी लोग आपका 0 सीएसटी पे रख दोगे, तो एक रेफरेंस मैंने आपको दे दिया। वैसे ही अगर मैं सर्किट आपको दूं और उस सर्किट में बोलूं कि बताओ किसी एक पॉइंट ए बी सी का पोटेंशियल कितना है, तो मुझे आपको रेफरेंस बताना पड़ेगा ना। अगर मैं आपको रेफरेंस नहीं बताऊंगा, आप सब अलग अलग आंसर दे दोगे मुझे, कोई क्या रेफरेंस चूज करेगा, कोई क्या। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमें एक पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल चूज हमेशा कर लेना होता है। अब मैं दो स्टेटमेंट बोलूंगा आपके सामने एक एक करके, राइट या रॉन्ग आप मुझे बताइएगा,
पॉइंट ए की मैं बात करना चाहता हूं पहले। पॉइंट ए का पोटेंशियल ओ से 50 वोल्ट ज्यादा है, यस या नो? पॉइंट ए का पोटेंशियल रेफरेंस से 50 वोल्ट ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट बी का पोटेंशियल रेफरेंस से 20 वोल्ट कम है, राइट या रॉन्ग? पॉइंट बी का पोटेंशियल रेफरेंस से 20 वोल्ट कम है, राइट या रॉन्ग? राइट, है ना। अच्छा, इफ आई टेल यू कि कोई एक रेजिस्टेंस है या कोई एक एलिमेंट है, रेफरेंस यहां कहीं रहा होगा, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये वाला पोटेंशियल है 50 वोल्ट और ये वाला पोटेंशियल है 20 वोल्ट, ठीक है, रेफरेंस रहा होगा कहीं भी, और मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखना है, तो ये 30 वोल्ट का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या, राइट या रॉन्ग? ऐसे लिख दूं, राइट या रॉन्ग लिख दो इस पे, आर इज फॉर राइट, डब्ल्यू इज फॉर रॉन्ग। बराबर। अच्छा, एक और चीज, इफ आई हैव 80 वोल्ट्स हियर एंड आई हैव 60 वोल्ट्स हियर, तो शुड आई राइट, राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? राइट, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैंने कुछ वोल्टेजेस को एनसर्कल किया है, कुछ वोल्टेजेस को, कुल मिला के आप देखो तो 2 और 2 4 और 2 6 वोल्टेजेस आपको दिख रहे हैं अभी इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर, है ना, 6 वोल्टेजेस आपको दिख रहे हैं, 6 में से 4 को मैंने एनसर्कल किया है, बाकी 2 को नहीं किया, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। जिन वोल्टेजेस को मैंने एनसर्कल किया है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल्स, ये क्या है बोलो, एब्सोल्यूट पोटेंशियल। सर ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? सर एब्सोल्यूट पोटेंशियल मींस पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस, पोटेंशियल मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है ना, पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोलेंगे, क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो सीएसटी से इतना किलोमीटर है, सॉरी जो आपका एयरपोर्ट है वो सीएसटी से इतना किलोमीटर है, तो बांद्रा से फिर कुछ और किलोमीटर है, तो वर्ली से कुछ और किलोमीटर है, तो मानखुर्द से कुछ और किलोमीटर है, तो किसी ना किसी किलोमीटर पे तो वो है ही, लेकिन जो रेफरेंस आपने चूज किया है वहां से उसका डिस्टेंस, या यहां मैं बात करूं कि पोटेंशियल, उसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। अब सर्किट के अंदर 10 पॉइंट और होंगे, उन पॉइंट के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा कुछ, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो भी पोटेंशियल है वो हम उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोलेंगे, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल को ही हम एनसर्कल करेंगे, ध्यान देना। तो ये बाकी 2 को एनसर्कल क्यों नहीं किया सर? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ये और ये,
ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, आगे से पोटेंशियल को एनसर्कल करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं करेंगे। ये केवल हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इट इज जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग कि हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल को हमेशा एनसर्कल करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे ही छोड़ देंगे। जिधर प्लस है उधर का पोटेंशियल ज्यादा है, जिधर माइनस है उधर का पोटेंशियल कम है, आपको साफ साफ डायग्राम के ऊपर नजर आ रहा है। ऊपर प्लस रहेगा, लोअर साइड के ऊपर माइनस रहेगा, और दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड डिफरेंस हम लोग लिख देंगे, जैसे 60 माइनस 80 20 है और 50 माइनस 20 30 है। ठीक है, इसके ऊपर क्लियर टाइप करें आप जरा जल्दी से, प्लीज टाइप क्लियर ओवर इट। ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल को एनसर्कल करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं करना। एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं, वेरी क्विकली आप उसको सॉल्व करेंगे। Let me make it 100 watts. डी तक ही निकालो, चलो आंसर दीजिए आप। सृष्टि चेक कीजिए एक बार, यश इज इट प्लस और माइनस? यस मानसी, करेक्ट। यस सृष्टि, चारों आंसर एक साथ दीजिए एक मैसेज में, बी ए बी बी वी सी वी डी, चारों एक साथ दीजिए, सॉल्व ऑल द फोर टुगेदर।
देखिए ये चार ब्रांचेस जो हैं वो ये क्लोज सर्किट रहा होगा, उस क्लोज सर्किट में से मैंने चार ब्रांचेस निकाल के अलग अलग रख दी। तो पहले एक एक ब्रांच को समझ लेते हैं, फिर इन सभी ब्रांचेस को मिला के सर्किट बना लेंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये मत बोलना सर क्या करंट हवा में फ्लो हो रहा है। करंट वरंट हवा में फ्लो नहीं हो रहा, सर्किट अपने आप में क्लोज है, लेकिन उस क्लोज सर्किट के कुछ हिस्से मैंने अलग अलग निकाल के आपके सामने रख दिए। यस आंसर्स सी बोलो भाई सी। यश सी कितना आ रहा है? चलिए लेट अस टेक ईच क्वेश्चन वन बाय वन। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पर नजरें गड़ा लीजिए आपकी। आप एक बात बताइएगा मुझे, वैसे आपने किया ही होगा, ये जो 20 वोल्ट का सोर्स है इससे 100 वॉट्स एब्जॉर्ब करवाना है मुझे, तो 20 वोल्ट से 100 वॉट्स एब्जॉर्ब करवाना है अगर, तो क्या 5 एम्पियर इसके पॉजिटिव में डाल दूं क्या? यस या नो टाइप कर दो, यस या नो टाइप कर दो इस पे। ठीक है, अब ये 5 एम्पियर क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 5 एम्पियर 5 ओम से ही फ्लो हो रहा है, तो होगा क्या ये 25 वोल्ट गिराएगा यहां पे, ये 25 वोल्ट यहां पे गिराएगा। क्या आप मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस? इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस? ट्वेंटी वोल्ट है,
तो यहां का कितना हो जाएगा, 45 वोल्ट हो जाएगा। भाई 20 से 25 ज्यादा, 20 से 25 ज्यादा, ठीक। जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है उसको एनसर्कल करेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको एनसर्कल नहीं करेंगे। बराबर बात है। बी बी के ऊपर नजरें गड़ा लो आपकी। बी के अंदर आप मुझे बताना, 4 एम्पियर का सोर्स है, 4 एम्पियर का करंट सोर्स है, इससे मुझे 100 वॉट एब्सॉर्ब करवाना है, तो क्या मैं यहां पे प्लस और यहां पे माइनस लिख के 25 वोल्ट लिख दूं क्या, राइट या रॉन्ग? हंड्रेड वॉट एब्सॉर्ब करवा रहा है मुझे इससे, सभी लोग बताइए राइट या रॉन्ग? 4 एम्पियर से 100 वॉट एब्सॉर्ब करवाना है ना। अब 4 एम्पियर आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये गिराएगा वोल्टेज कैसा, प्लस यहां माइनस यहां, 40 वोल्ट्स विल बी हियर, ठीक है। तो दिस पोटेंशियल इज अगेन 25 वोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, तो 25 से 40 ज्यादा, 65 वोल्ट विल बी दिस वोल्टेज, ये 65 वोल्ट्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले पे अपनी नजरें गड़ा लें अब आप, 50 वोल्ट से मुझे एब्जॉर्ब करवाना है 100 वॉट्स, तो 2 एम्पियर मुझे ऐसे डालना पड़ेगा 50 वोल्ट के पॉजिटिव में। यहां का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस कितना है, -50 है, बस दिस इज द क्रक्स। हाँ, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये -50 है, 2 जा रहा है ऊपर, तो 2 अगर ऊपर जा रहा है तो प्लस माइनस ये 10 वोल्ट हो जाना चाहिए, तो -50 से 10 और कम, और -50 से 10 और कम हो जाता है -60 वोल्ट्स। एब्सोल्यूट पोटेंशियल को एनसर्कल करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, सी हो गया, ठीक। डी के ऊपर आपकी नजरें गड़ा लो, डी के ऊपर नजरें गड़ा लो, 20 एम्पियर के सोर्स से 100 वॉट एब्जॉर्ब करवाना है, तो प्लस माइनस 5 वोल्ट, ये हो गया 100 वॉट एब्जॉर्ब, 25 से 100, ये प्लस और ये माइनस, ये है 160 वोल्ट्स, 20 × 8, अल्टीमेटली 20 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच। नाउ The पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज -160 वोल्ट्स, सो द पोटेंशियल हियर मस्ट बी -160 से 5 और कम, -165 वोल्ट्स। ठीक है, ये नोट डाउन हो जाता है आपका, तो क्लियर एंड नोटेड टाइप कीजिए, कोई डाउट है तो आपका डाउट टाइप कर दीजिए, आई विल आंसर योर डाउट, नोट डाउन करके प्लीज टाइप क्लियर एंड नोटेड। चलिए,
एक होमवर्क छोटा सा, ये जो एब्जॉर्ब्स लिख रखा है ना आपने, इस एब्जॉर्ब्स की जगह लिख दो डिलीवर्ड, इस एब्जॉर्ब की जगह क्या लिख दो, डिलीवर्ड लिख दो, वी ए वी बी वी सी वी डी आपको फिर से कैलकुलेट करना है, यू कैन डू दिस एज अ होमवर्क, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे। अब तक हमने क्या क्या देखा है, पावर एब्जॉर्ब, पावर डिलीवर्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर ना, ये चार चीजें हमने देखी, पावर एब्जॉर्ब, पावर डिलीवर्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल मतलब एब्सोल्यूट पोटेंशियल। दो चीजें और एंड देन विल मूव ऑन टू द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। टू थिंग्स विच यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, आई विल जस्ट वेरी क्विकली गो थ्रू इट। केवीएल, अब देखो फाइव वोल्ट 10 वोल्ट, नाउ दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 15 वोल्ट, सो इन टोटैलिटी दिस इज 15 वोल्ट, देयर इज नो डाउट इन दिस, ठीक है। इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, this must be plus 10 volts, this must be minus 20 volts, right? So in totality, what should it be? In totality, it should be this. All right. इस पे राइट या रॉन्ग टाइप करना, तो दोनों पे, ये दोनों बराबर है कि नहीं है? ठीक है, आपको पता है सीरीज में वोल्टेजेस ऐड हो जाएंगे, पैरेलल में करंट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, दिस यू नो। अब बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, आई एम डूइंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस। हम क्या कर रहे हैं यहां पे, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस यहां पर कर रहे हैं। So this is algebraic sum of voltages. We must pay attention to the signs. आप देख रहे हो ऊपर वाले डायग्राम के अंदर इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव आमने सामने है। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव आमने सामने होते हैं तो वोल्टेजेस गेट्स एडेड, ठीक है। नीचे वाले में देख रहे हो पॉजिटिव पॉजिटिव आमने सामने, तो जब सेम पोलैरिटीज आमने सामने होती हैं तो आप क्या कर लेते हो, सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है। डिससिमिलर पोलैरिटीज आमने सामने है तो ऐड, सिमिलर पोलैरिटी आमने सामने है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। यहीं से एक केवीएल का हमें बेसिस मिलता है, मैं लिखूंगा आपको तुरंत समझ में आएगा बिकॉज यू आर फेमिलियर विथ दिस। से आई टेक closed loop, like this, ठीक है। अभी क्या करने का है, Vs के पॉजिटिव से निकल जाओ और लेट अस ट्रेवर्स दिस लूप क्लॉकवाइज। ये लूप को क्लॉकवाइज ट्रेवर्स हम लोग करते हैं। जैसे ही आप यहां से यहां पहुंचोगे, Vs के पॉजिटिव से निकले हो, V1 का पॉजिटिव दिखा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आमने सामने मतलब अपोज, और आगे जब आप पढ़ेंगे तो
और आगे बढ़ेंगे तो वी टू का नेगेटिव मिल जाएगा। वीएस के पॉजिटिव से चले हो, वी टू का नेगेटिव मिला, मतलब दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। तो अगर मैं वीएस के पॉजिटिव से चला हूं, ट्रेवर्स करता जाऊंगा, प्लस मिलता जाएगा तो माइनस लगाता जाऊंगा, माइनस मिलता जाएगा तो प्लस लगाता जाऊंगा। पहला तरीका ये, ठीक है। कई लोग दूसरा कन्वेंशन फॉलो करेंगे। दूसरा कन्वेंशन क्या कि सर मैं तो वीएस के नेगेटिव से घुसूंगा, तो वीएस के नेगेटिव से घुसूंगा मतलब मैं माइनस वीएस से शुरुआत करूंगा। तो ठीक है जी, माइनस वीएस से कर लो, फिर जो मिलता गया वो लिखते जाओ। फिर वी वन का प्लस मिला तो प्लस वी वन, आगे गए वी टू का माइनस मिला। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली और नीचे वाली इक्वेशन सेम ही है, ठीक है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम डूइंग दिस। व्हाट इज द अल्टीमेट स्टेटमेंट? द अल्टीमेट स्टेटमेंट इज एलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इज जीरो, आई इक्वल टू वन टू एन, ठीक है। एन इज द नंबर ऑफ वोल्टेजेस, दैट्स द वेरी स्टेटमेंट ऑफ योर केवीएल। ये केवीएल का आपका स्टेटमेंट है। बट वी मस्ट पे अटेंशन टू द साइंस। समेशन का मतलब सभी को प्लस नहीं कर देना, समेशन का मतलब साइन के साथ प्लस। कोई नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव लेके प्लस करना है, नेगेटिव साइन के साथ प्लस करना है, जो कि ऊपर इक्वेशंस में आपको दिख रहा है, ठीक है। ये वैसे आपको पता है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज केवीएल। मैं आपसे बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये जो डब्बे बनाए हैं मैंने, द बॉक्सेस दैट वी हैव मेड, ये डब्बे क्या है भैया? ये What are these dabbas? ये डब्बे क्या है? What is this dabba? Every dabba? सभी बताओ, एवरी बॉक्स हियर रिप्रेजेंट एनी सर्किट एलिमेंट, एनी सर्किट एलिमेंट। एनी डैम सर्किट एलिमेंट, सर एनी एलिमेंट का मतलब सर क्या करंट सोर्स भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये R हो सकता है, ये L हो सकता है, ये C हो सकता है, ये वोल्टेज सोर्स हो सकता है, ये करंट सोर्स हो सकता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है। कुल मिला के मुझे उसका वोल्टेज देखना है। करंट सोर्स भी अगर है तो उसका वोल्टेज मुझे देखना है, और वोल्टेज सोर्स है तो फिर तो वोल्टेज है, ठीक है। शुरू शुरू में ये गलती स्टूडेंट्स करते हैं क्या, वोल्टेज सोर्स से निकलने वाला करंट तो ध्यान रहता है, पर करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज भूल जाते हैं। शुरू शुरू में करेंगे, देखना होगा आपका सब ये गलती। वोल्टेज सोर्स से निकलने वाला करंट तो याद रहता है, पर करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज भूल जाते हैं। तो शुरू शुरू में हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि करंट सोर्स के वोल्टेज को भूलना नहीं है। क्यों? करंट सोर्स भी तो कुछ पावर एब्जॉर्ब या डिलीवर कर रहा है ना, तो अगर कर रहा है तो उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज तो होगा निश्चित रूप से, तो उसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है इन चार डब्बों में से, पांच डब्बों में से एक डब्बा कोई करंट सोर्स भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, केवीएल बोलते हैं। केसीएल तो एकदम गरीब है, केसीएल में तो कहीं से कहीं तक आपको कोई आपत्ति है ही नहीं। केसीएल क्या बोलता है? केसीएल बोलता है किसी भी एक नोड पे जितना करंट घुसेगा उतना निकल जाएगा उसमें से, वहां ठहरेगा नहीं कुछ भी, ठीक है। जितना करंट घुसेगा उतना निकलेगा, तो घुस कितना रहा है? इतना घुस रहा है, निकल कितना रहा है? आई टू आई थ्री आई फोर भी घुस ही रहा है,
और निकल कितना आ रहा है, इतना निकल रहा है, ठीक है। सो दिस एंटर्स द नोड एंड दिस लीव्स द नोड। अब कई लोग इसको ऐसे लिखना पसंद करेंगे, कई लोग इसको ऐसे लिखना पसंद करेंगे, तो जैसे आपको पसंद आ जाए वैसे। बात सब कुछ एक ही है, मॉरल ऑफ द स्टोरी केवल ये है, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, आई इक्वल टू 1 से लेके n, n इज द नंबर ऑफ करंट्स। ठीक, तो ये क्या है, एलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स इज 0 एट अ नोड। तो दिस इज नथिंग न्यू, ये आप आपके जीवन में 111वीं बार पढ़ रहे होंगे, पर अब इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब तक हम देखें तो 6 चीजें हो गई। 6 चीजें क्या क्या हो गई, पावर एब्जॉर्ब, पावर डिलीवर्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, केवीएल, केसीएल, बराबर 6 चीजें हो गई। पावर एब्जॉर्ब, पावर डिलीवर्ड, केवीएल, केसीएल, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड नाउ वी आर रेडी टू रॉक विद द प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब जो भी है इसका एप्लीकेशन है आगे, ठीक। यहां तक आप पहले क्लियर टाइप कर दो, यहां तक सब कुछ क्लियर है आपको, ठीक है। यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक। अब एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा पहले, वहां से आई विल ट्राई टू गेट ऑल द फंडामेंटल्स। अब हमने जो सीखा है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। नोइंग समथिंग इज 10%, अप्लाइंग इट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज रिमेनिंग 90%, ठीक है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नोइंग समथिंग इज ओनली 10% ऑफ द जॉब डन, 90% ऑफ द जॉब रिमेन्स एंड दैट कंप्लीट्स व्हेन यू अप्लाई इट, एप्लीकेशन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपकी जो थ्योरी एग्जाम होती है कॉलेज की, उसमें नोइंग इज एवरीथिंग, है ना। इफ यू नो और उससे मिलता जुलता आप कुछ लिख सकते हो एग्जाम में, तो यू विल गेट द मार्क्स। यहां पे इट डजंट हैपन, यहां पे यू मस्ट नो द थिंग्स द वे दे आर एंड देन अप्लाई इट टू गेट द मार्क्स, बिकॉज मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चंस दैट विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू स्पेशली इन द एग्जाम ऑफ गेट विल बी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल दे रिक्वायर नोइंग प्लस अप्लाइंग, नोइंग इज 10%, अप्लाइंग इज 90%। सो 10% ओनली वी हैव डन टिल नाउ, द रिमेनिंग 90% वी हैव टू नाउ स्टार्ट। तो मैं एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके सामने लूंगा, पहले आप उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। नोट डाउन करने का मैं समय आपको पूरा पूरा दूंगा, नोट डाउन करने की जल्दी मत मचाना, ठीक है। मैं पूरा खत्म करने के बाद आपके सामने स्लाइड खोल के रखूंगा, आप बोलेंगे कि मैंने सर नोट डाउन कर लिया है सर, उसके बाद ही मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा, इतना विश्वास आप मेरे ऊपर रखिए, ठीक है। तो पहले समझने पर ध्यान दीजिएगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर कैलकुलेटर रेडी विथ यू, आप बस मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बताते जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेट करके बताते जाएंगे, नोट डाउन बाद में करेंगे, जब मैं आपको कहूंगा तब कीजिएगा, पहले आपका पूरा फोकस समझने पे हो। सो द प्रॉब्लम इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपके सामने प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या करना है सर, क्या करना है, क्या निकालना है इसके अंदर, इसके अंदर पावर बैलेंस प्रूव करना है बेटा, है ना। कौन कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन कितना डिलीवर कर रहा है, सबका टोटल मार के बराबर हो जाना चाहिए, एब्जॉर्ब इक्वल टू डिलीवर्ड हो जाना चाहिए। आगे आने वाले सारे सर्किट्स में आपको ये करना है। गेट की प्रॉब्लम में भी जो पूछा है वो तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन पावर बैलेंस भी आप करेंगे उन प्रॉब्लम्स में भी, ठीक है, या एज एन असाइनमेंट यू विल डू इट। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने है, बड़ा क्लियरली विजिबल है एक एक चीज, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, करंट सोर्स का डायरेक्शन, एवरीथिंग इज जस्ट वेरी क्लियरली विजिबल। मुझे प्रूव करना है पावर बैलेंस,
अब देखो, सबसे पहले तो बिफोर लर्निंग समथिंग देर आर मेनी थिंग्स विच वी मस्ट अनलर्न। कोई नई चीज डालना होती ना दिमाग में, तो पहले से जो भरा हुआ है उसको थोड़ा खाली करना पड़ता था कि जगह बनती है थोड़ी सी, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये पढ़ा हुआ है, और एक बहुत गंदी सी आदत वहां पड़ी हुई है। क्या गंदी सी आदत पड़ी हुई है? जहां ऐसा कोई सर्किट दिखा, गोल गोल करंट घुमा दो, ये I1 ये I2। क्या ये गंदी आदत पड़ी हुई है कि आपकी यस या नो टाइप करो गोल गोल करंट घुमाने की? आज नेटवर्क के पहले दिन हम ये कसम खाते हैं सर्कुलेटिंग करंट कभी भी नहीं लेंगे, गले पे हाथ रख के खाएंगे कसम, कभी भी सर्कुलेटिंग करंट नहीं लेंगे। तो सर्कुलेटिंग करंट को तो भूल जाओ, ठीक है। वो तीन लूप ले लिए, I1 I2 I3, फिर तीन इक्वेशन लिख दी, फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, फिर क्रेमर रूल, ऑल दैट नॉनसेंस। वी आर नॉट डूइंग ऑल दैट नॉनसेंस। सी व्हाट द एम इज, द एम इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। कम से कम समय में प्रॉब्लम सॉल्व कर देना है, सही आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाना है। यहां कोई कॉपी भरना तो एम है नहीं, कॉपी भरना अगर एम हो तो फिर तो स्काई इज द लिमिट, फिर तो भरे जाओ कॉपी, ठीक है। फिर ज्ञान की कोई कमी थोड़ी है हमारे पास, आप तो बोलो कितने पन्ने भरने हैं। वो चीज तो यहाँ है नहीं, यूनिवर्सिटी एग्जाम तो है नहीं ये, ठीक है। आपके कॉलेज की रिटर्न एग्जाम तो है नहीं। द एम इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में अगर सॉल्व करना है तो कम से कम इक्वेशंस लिखनी होगी। कम से कम इक्वेशंस अगर लिखनी होंगी तो कम से कम वेरिएबल्स लेने होंगे, कम से कम वेरिएबल्स लेने होंगे। 99% केसेस में हम लोग एक ही इक्वेशन लिखेंगे। सर एक ही इक्वेशन? हाँ बेटा, एक ही इक्वेशन। हम लोग एक ही इक्वेशन लिखेंगे और सब कुछ निकाल डालेंगे उस एक इक्वेशन में। फिर उसके बाद जो लिखेंगे सर्किट के ऊपर लिखेंगे। इक्वेशन एक से ज्यादा, हद से हद दो हो गई, बस हद हो गई। कभी भी आपको तीन इक्वेशन लिख के सॉल्व करने की नौबत कभी भी नहीं आएगी, इवन दो इक्वेशन की भी नौबत नहीं आएगी। गेट के बहुत सारे प्रॉब्लम करवाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले सर्कुलेटिंग करंट से तोबा तोबा ना, नो सर्कुलेटिंग करंट। मिनिमम वेरिएबल लेंगे, एक लेंगे, एक से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा इक्वेशन नहीं लिखेंगे। हम लोग सर्कुलेटिंग करंट ना लेके क्या लेंगे? ब्रांच करंट्स लेंगे। क्या लेंगे बोलो? ब्रांच करंट लेंगे। तो किसी एक ब्रांच का करंट जो कि आपको पता नहीं है, ये वाली ब्रांच को चलो मैं मान लेता हूं कि ये करंट आई है। वी शैल पे अटेंशन टू द करंट फ्लोइंग इन द ब्रांच, नॉट टेकिंग एनी गोल 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 करंट्स। गोल गोल घूम ले लोगे तो गोल गोल घूम जाओगे आप, और फिर समय ज्यादा ले लोगे, ठीक है। तो कोई एक ब्रांच का करंट जो कि मुझे पता नहीं है, मैंने आई ले लिया, तो इसको मैंने आई ले लिया। अब आप मुझे यस या नो टाइप करके बताना, ये आई है तो ये I-4 है, यस या नो टाइप कर देंगे सभी? ठीक है, ये आई है तो ये I-4 है। तो ये आप अगर देखें तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या कर दिया, मैंने इस पॉइंट के ऊपर केसीएल लगा दिया, मैंने इस पॉइंट के ऊपर केसीएल यही किया ना। ये आई है, ये फोर है, ये I-4 लिख दिया मैंने, तो बाय डिफॉल्ट केसीएल ही तो लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, कोई एक ऐसा लूप पकड़ेंगे जहां के सारे वोल्टेजेस हम लिख सकते हैं। जैसे ही आपने रेजिस्टेंस के थ्रू करंट्स लिख दिए तो आपको पता है यहां पोटेंशियल ड्रॉप ऐसा होना है, यहां पोटेंशियल ड्रॉप ऐसा होना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता आई उस डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता,
पर कोई एक डायरेक्शन आपको मान लेना पड़ेगा और वो डायरेक्शन मान करके इक्वेशन लिख देनी होगी। लेकिन सर आई अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा। इधर 5 एम्पियर तो इधर -5 एम्पियर, भाई डीसी करंट है ये तो। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि एक्चुअल डायरेक्शन, वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा ना कि एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। लेकिन क्योंकि इक्वेशंस लिखनी है तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, तो यू टेक वॉट एवर डायरेक्शन यू वॉन्ट टू, आप जो भी डायरेक्शन लिखना लेना चाहो आप ले लो। अब एक ऐसा लूप खोजते हैं जहां के सारे वोल्टेजेस हम लिख सकें। आप मुझे बताना क्या अभी ये वाली स्टेज पे क्या करंट सोर्स का वोल्टेज आपको पता है क्या? यस या नो टाइप करो। क्या करंट सोर्स का वोल्टेज आपको पता है क्या? नहीं पता। करंट सोर्स का वोल्टेज हमें नहीं पता। अब एक तरीका तो क्या है कि कुछ मानो, कुछ VD, VX, VY मानो, लेकिन वो मुझे करना है नहीं, क्योंकि हमने पहले ही कसम खा ली है कम से कम वेरिएबल में सॉल्व करेंगे। जब तक जरूरत नहीं पड़ती तब तक कोई भी नया सिंबल सर्किट में आप नहीं डालेंगे, जरूरत पड़ेगी तो डालना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक जरूरत नहीं फालतू में कोई नया वेरिएबल डालना नहीं। अब मुझे केवीएल लगाना है, केसीएल तो जहां लगाना था लगा चुका, बचा अब केवीएल है, तीसरी कोई चीज होती नहीं है। अब केवीएल लगाने के लिए एक ऐसा लूप ढूंढते हैं जाके सारे वोल्टेजेस मुझे पता हो। तो एक काम करता हूं, ये वाला लूप में मैं केवीएल की इक्वेशन लिखता हूं, मैं लिखता हूं राइट या रॉन्ग आप मुझे बताइएगा। इस पे राइट या रॉन्ग टाइप कर दो तो बेटा। ठीक है, यहां तक आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूं कहानी। नोट डाउन हो जाए तो नोटेड टाइप कर देना, फिर अगली स्लाइड पे चलेंगे। जी नोटेड। ये जो 11 एम्पीयर आया है आई आई विल बैक सब्स्टिट्यूट इट। इन द सर्किट इसको बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं सर्किट के अंदर, एंड आई विल देन रीड्रॉ द सर्किट। तो आई इक्वल टू 11 एम्पीयर मैं अब सर्किट के अंदर रख दूंगा, तो I इक्वल टू 11 एम्पियर में रखूंगा। तो जैसे ही मैं रखता हूं 11, तो ये हो गया 11 एम्पियर और ये हो गया 7 एम्पियर, है ना, 11 माइनस 4 ये 7 एम्पियर हो गया, 7 और 4 11 बीच वाले नोड पे आपको दिख रहा है। ठीक है,
नाउ आई विल राइट द वोल्टेजेस. तो ये वाला पोटेंशियल बताना, तो कितना ये वाला, हाउ मच इज दिस पोटेंशियल, हाउ मच इज दिस पोटेंशियल 5 ओम के अक्रॉस, 55 ना, 55. और ये वाला कितना, ये 8 ओम के अक्रॉस, ये 8 ओम के अक्रॉस कितना, 56 वोल्ट्स, है ना. अच्छा, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, ये वाले पॉइंट का व्हाट इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल, 100 वोल्ट्स. ये क्या है, 100 वोल्ट्स है. अच्छा, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये मिडिल नोड पे, ये 100 में से 55 कम, 100 में से 55 कम कितना हो जाएगा, 45 वोल्ट्स हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, ये जो 45 वोल्ट मैंने लिखा है, ये पूरा पूरा करंट सोर्स के अक्रॉस है. तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको प्लस माइनस 45 वोल्ट लिख दूं क्या, राइट या रॉन्ग? ठीक है. अच्छा, अब आ जाओ ये वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे आ जाओ. यहां का पोटेंशियल होना चाहिए 45 वोल्ट से 56 वोल्ट कम, 45 माइनस 56, 45 माइनस 56. तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए, यहां का पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए, 45 माइनस 56 माइनस 11, और माइनस 11 वोल्ट आपको नजर भी आ रहा है बिकॉज ऑफ द वोल्टेज सोर्स ऑफ 11 वोल्ट. ठीक है, 11 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के कारण भी माइनस 11 है, और 45 माइनस 56 भी माइनस 11 है, मतलब बराबर बैठ गया, सही किया हमने जो किया. ठीक है, क्रॉस चेक भी हो गया, उधर से भी माइनस 11, इधर से भी माइनस 11. अब आपको सारे पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल दिख रहा है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, जिसको आपने एनसर्कल किया है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, जिसको एनसर्कल नहीं किया है वो पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, अब एक एक करके मुझे आप बताएंगे सभी, 100 वोल्ट का सोर्स कितना एब्जॉर्ब या डिलीवर कर रहा है, 100 वोल्ट का सोर्स कितना एब्जॉर्ब या डिलीवर कर रहा है, वोल्टेज पहले लिखेंगे करंट बाद में लिखेंगे, इलेवन वोल्ट का सोर्स क्या कर रहा भैया, इलेवन वोल्ट का सोर्स क्या कर रहा है, सभी बताएंगे इलेवन वोल्ट का सोर्स क्या कर रहा है, ग्यारह वोल्ट के पॉजिटिव से 7 एम्पियर बाहर आ रहा है, ग्यारह वोल्ट के पॉजिटिव से 7 एम्पियर बाहर आ रहा है. तो वोल्टेज पहले लिखेंगे करंट बाद में लिखेंगे फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, 77 वॉट डिलीवर्ड. बचे दो रेजिस्टेंसेस, तो रेजिस्टेंसेस तो हमेशा कंज्यूम ही करते आए हैं आज तक, तो यहां भी कंज्यूम ही करेंगे. इतना 121 इंटू 5 165 की 565 665
121 इंटू 5 इज हाउ मच, 605 वॉट्स कंज्यूम्ड, और रह गया 8 ओम, तो 8 ओम फोर्टी नाइन टू एट, तो 400 में से गया 8, 492, इज इट राइट? 492 देखना तो जरा, राइट या रॉन्ग लिख दो इस पे, 392, 392 करेक्ट, 392, तो जरा चेक करना, तो सी इक्वल टू डी हो गया क्या? चेक करना तो सी इक्वल टू डी हो गया क्या, और नोट डाउन भी कर लो आप, ठीक है? तो ये पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू डिलीवर ट्रू हो गया। अगर कंज्यूम्ड और डिलीवर्ड नहीं होता बराबर, तो हम क्या करते, चेक करते। कंज्यूम्ड इक्वल टू डिलीवर्ड अगर नहीं हो रहा, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपने कहीं किसी लूप में केवीएल को वायलेट किया है, या कहीं किसी नोड पे केसीएल को वायलेट किया है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात। अगर कंज्यूम्ड इक्वल टू डिलीवर्ड नहीं आया, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि कहीं किसी लूप में आपने केवीएल को वायलेट कर दिया, या कहीं किसी नोड पे केसीएल को वायलेट कर दिया। अगर किसी भी लूप में केवीएल वायलेट नहीं हो रहा, या किसी भी नोड पे केसीएल वायलेट नहीं हो रहा, तो पक्के में पावर बैलेंस होगा ही, या फिर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। थर्ड पॉसिबिलिटी इज जस्ट दिस, which is a normal thing to happen. Calculation mistakes can happen. There is no problem in it. The more you practice, the more you become accurate when it comes to calculation. ठीक है? अच्छा, अब ये डायग्राम आपके सामने है। मैं आपसे कहूं कि ये वाले लूप में KVL की इक्वेशन लिखो, तो आप क्या लिखोगे? 100 माइनस 55 माइनस 45 इक्वल टू जीरो, होता ही है। 100 माइनस 45, 55 माइनस 45 जीरो होता ही है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाले लूप में लिख दो जरा केवीएल इक्वेशन, तो आप क्या लिखोगे? 45 माइनस 56 प्लस 11, 45 माइनस 56 प्लस 11 होता ही है जीरो, होता ही है। मैं आपसे बोलूं ये वाले लूप में लिखना भैया जरा, ये वाले लूप में, तो आप क्या लिखोगे? 100 माइनस 55 माइनस 56 प्लस 11, सम जीरो होता ही है, करके देख लो आप। 100 माइनस 55 माइनस 56 माइनस प्लस 11 इज इक्वल टू जीरो। तो कोई भी लूप ले लो आप, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, या फिर ये वाला ले लो, आपको केवीएल मिलना तय है। और वो जो मैंने आपको बोला था ना, हर एक डब्बा क्या है, कोई एक डब्बा करंट सोर्स हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला डब्बा क्या है, ये वाला डब्बा करंट सोर्स है, मुझे तो उसके वोल्टेज से मतलब है ना कुल मिला के। तो आप देख रहे हो हले हर एक लूप में केवीएल ट्रू है। ठीक है, क्या ये पूरी पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है आपको? जरा क्रिस्टल क्लियर टाइप कर दो, कोई डाउट है तो डाउट टाइप करो। इज इट क्रिस्टल क्लियर टू यू?
क्रिस्टल क्लियर? जूई पॉजिटिव से निकल रहा है तो डिलीवर, पॉजिटिव के अंदर आ रहा है तो कंज्यूम। सीधा सा है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। इज इट ओके जूई? पॉजिटिव से निकल रहा है तो डिलीवर, पॉजिटिव के अंदर आ रहा है तो कंज्यूम। दैट्स इट, इट इज एज इजी एज दैट। ठीक है, चलो स्टार्ट सॉल्विंग। सबसे पहले तो आई की वैल्यू बता देना मुझे। यस वत्सल, वेरी गुड, करेक्ट। वैष्णवी, इज इट माइनस और प्लस? हाँ प्लस, तो आई इक्वल टू 6 आ जाएगा। 6 को वापस सर्किट के अंदर रखो, पावर बैलेंस प्रूव करेंगे फटाफट।
ये सर ने अभी लिंक शेयर की थी, यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप फॉर डाउट डिस्कशन। वत्सल हो गया डिलीवर्ड कंज्यूम बराबर। अच्छा देखते हैं। जी बाकी कहा गया, देखिए चलिए करते हैं सॉल्व। प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। ये वाले नोड पे आप देखो तो आई राइट साइड पे जा रहा है और 4 एम्पियर इधर जा रहा है ना। ये ब्रांच करंट 4 एम्पियर है बिकॉज ऑफ द करंट सोर्स। करंट सोर्स जिस भी ब्रांच में आता है उस ब्रांच का करंट फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब ये 4 एम्पियर के साथ सीरीज में जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका कोई करंट पे प्रभाव पड़ेगा नहीं। ये 2 ओम हो, 3 ओम हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 4 एम्पियर जैसे ही ब्रांच में आया करंट सोर्स, उस ब्रांच का करंट 4 एम्पियर पे फिक्स हो गया, बात पूरी हो गई, ठीक है। तो पक्के में फिर ये करंट क्या हो जाना चाहिए, I+4 हो जाना चाहिए। इस पे यस या नो टाइप करो सभी, क्या ये I+4 हो जाएगा, यस या नो, है ना। बस अब एक ऐसा लूप पकड़ो जहां के सारे वोल्टेजेस आप लिख सकते हो। तो ये वाला लूप ही पकड़ने में भलाई नजर आ रही है। करंट सोर्स का वोल्टेज आपको पता अभी है नहीं, तो 50 आप चाहें तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोलारिटी लगा लो। ऑन सिंप्लीफिकेशन इट विल कम आउट टू बी दिस, ठीक है। सो इसको कर देंगे बैक सब्स्टिट्यूट। इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस से सर्किट के अंदर। तो व्हेन यू बैक सब्स्टिट्यूट आई इज इक्वल टू 6, तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस। आई इक्वल टू 6 जैसे ही आप रखोगे तो ये 10 एम्पियर हो गया और ये 6 एम्पियर हो गया। 6 और 4 10 आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताना ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है 3 ओम के अक्रॉस, ये कितने वोल्ट्स का है, ये कितने वोल्ट्स का है 3 ओम के अक्रॉस। थ्री ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताओ जल्दी से कितना है। थर्टी है, तो ये 30 वोल्ट हुआ, ठीक। अच्छा व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 50 वैष्णवी प्लस 50 प्लस 50, ठीक है। तो ये अगर प्लस 50 है तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट, राइट या रॉन्ग।
ये 20 वोल्ट हो जाएगा, राइट या रॉन्ग टाइप कर दो, है ना। आप देखो एक चीज जरा देखना, ये जो इतना इतना हिस्सा है, ये जो इतना इतना हिस्सा है, क्या आपको नहीं लगता अभी से आधा पौना घंटा पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था आपको नहीं लगता ये बिल्कुल यहां फिट बैठ रहा है? यस या नो टाइप करो, क्या ये एकदम यहां पे फिट बैठ रहा है ये? ठीक है, तो बात वही है। ठीक, चलिए ये वाला ड्रॉप कितना है भैया, ये वाला ड्रॉप कितना है 5 ओम के अक्रॉस? 30। ये 30 वोल्ट है, ये 20 है, तो फिर ये भी 20 है, बीच में कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो ये पोटेंशियल फिर -10 होना चाहिए, तो है ही सही। 20 में से 30 का -10 हो गई, तय है वो। ठीक है, ये भी 20 वोल्ट ही नजर आता है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं कहीं से कहीं तक, 20 20 20 है सभी। ठीक है, ये वाला ड्रॉप कितना होगा अब आप मुझे बताना, ये वाला ड्रॉप बताएंगे कितना 2 ओम के अक्रॉस? 8 वोल्ट। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो आपका करंट सोर्स है 20 में से 8 कम, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाना चाहिए 20 में से 8 कम, मतलब 12 वोल्ट है ना, ऊपर 20 लिखा है देखो और 8 की पोलैरिटी देख लो, तो 20 में से 8 गया, 12 वोल्ट ही है। अब आप मुझे बताना ये जो 12 वोल्ट है इस पॉइंट का पोटेंशियल जहां मैंने लिखा है, क्या मैं इसको प्लस ऊपर माइनस नीचे 12 वोल्ट ऐसे लिख दूं क्या, राइट या रॉन्ग? राइट ना भाई, वो 12 वोल्ट है क्योंकि एनसर्कल किया है, जो जो एनसर्कल किया है वो सब एब्सोल्यूट पोटेंशियल्स है, और जिनको एनसर्कल नहीं किया वो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 12 वोल्ट है। अब वो 12 वोल्ट जहां लिखा है और जो करंट सोर्स और जो रेफरेंस है दोनों के बीच में एक ही तो है करंट सोर्स, मतलब वो 12 वोल्ट पूरा पूरा किसके अक्रॉस है? करंट सोर्स के अक्रॉस। एक चीज ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर ये -12 वोल्ट होता, -12, तो इस 12 वोल्ट की पोलैरिटी में रिवर्स कर देता, राइट या रॉन्ग? अगर ये 12 की जगह -12 होता तो इसकी पोलैरिटी में रिवर्स कर देता, तो कंज्यूम डिलीवर्ड फिर इंटरचेंज हो जाता। ठीक है, तो अभी के लिए तो ये प्लस 12 वोल्ट है। ठीक, अब जरा देख लो पावर बैलेंस फटाक से, पावर बैलेंस देख लो अब जल्दी से, हो रहा है क्या? वोल्टेज पहले करंट बाद में, कितना 180।
एक दो तीन चार पांच छह एलिमेंट हो गए। तो आई थिंक 560 इज डिलीवर्ड, डिलीवर वाले तो ये दोनों ही नजर आ रहे हैं, तो बाकी सबका सम भी 560 हो जाना चाहिए। ठीक, 560 इज इक्वल टू 560, बराबर। आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना नेटवर्क थियरी भैया? आपको समझ तो आ रहा है नेटवर्क? चल, एक दो चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा। हाउ द करंट एंड वोल्टेज इज डिवाइडेड, दिस इज हाउ। मेरे ख्याल से यू आर फेमिलियर विद दिस, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पैरेलल में वोल्ट, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। दिस सिंपली कम्स फ्रॉम केवीएल एंड केसीएल ओनली। ये काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में करंट डिवाइड होता है, आपको पता है। ज्यादा रेजिस्टेंस कम करंट, कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट, इसीलिए इनवर्स रेशियो में है। जबकि वोल्टेज डायरेक्ट रेशियो में ड्रॉप होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप। इसीलिए लेफ्ट साइड पे देख रहे हो तो करंट इनवर्स रेशियो में है रेजिस्टेंसेस के, और राइट साइड पे देख रहे हो वोल्टेजेस डायरेक्ट रेशियो में है रेजिस्टेंस के। नोट डाउन करके नोटेड टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज बस मैं आपको बता दूं, जो लेफ्ट वाला डायग्राम है उसमें आप देखें R1 और R2 अभी पैरेलल में है। पैरेलल में होना मतलब क्या होता है? दोनों का एक पॉइंट एक जगह कनेक्टेड है, दोनों का दूसरा पॉइंट दूसरी जगह कनेक्टेड है, ये पैरेलल में होने का मतलब होता है। R1 और R2 दोनों का एक पॉइंट एक जगह कनेक्टेड है, दोनों का दूसरा पॉइंट दूसरी जगह पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये पैरेलल में है। अब मान लो यहां कोई एलिमेंट आ जाता है, मान लो यहां कोई एलिमेंट आ गया, कोई वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। अब R1 और R2 पैरेलल में नहीं है, अब ये रूल अप्लाई नहीं करना। ठीक है, जैसे कोई ये एलिमेंट आ गया, अब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अब R1 और R2 पैरेलल में नहीं रहे। दोनों का एक पॉइंट एक जगह तो कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा दूसरी जगह पे नहीं है। ठीक है, वैसे ही यहां कोई एलिमेंट आ जाता है तो अभी अप्लाई नहीं होगा। क्या R1 और R2 सीरीज में नहीं है? है सीरीज में, लेकिन अब वो तीसरा भी जो आ गया है वो इस इक्वेशन को आपको अप्लाई नहीं करने देगा। R1 और R2 अभी भी सीरीज में है, लेकिन Vs पूरा पूरा आप R1 प्लस R2 के अक्रॉस नहीं है। Vs के साथ में एक और कोई सोर्स है, जहां पे भी Vs का कुछ हिस्सा अपियर होगा। उस अब ये करंट सोर्स हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, बराबर बात। तो कोई भी तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए सर्किट में, तो ही आप इसको अप्लाई हमेशा करेंगे। इज दिस ओके? सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड डाउन। ठीक है,
श्रुति, यू हैव टू कॉन्टेक्ट कॉलेज फॉर दिस. रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल फॉर फ्रॉम देयर. ठीक है. आई विल बी अवेलेबल फॉर सॉल्विंग योर डाउट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स. फॉर एनी नॉन टीचिंग क्वेरी यू हैव टू कॉन्टेक्ट कॉलेज. अनन्या, चेक कीजिएगा एक बार आपका. एंड फ्रॉम टुमोरो ऑनवर्ड्स आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी ऑन टाइम. ठीक है. जो क्लास का टाइम है बराबर वो टाइम पे क्लास शुरू हो जाएगी. ठीक है. डोंट रिलाय ऑन द रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगी आपके पास, बट बी ऑन टाइम. हाँ, कल मेरे ख्याल से 9 बजे क्लास है, तो बराबर 8:55 पे मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगा. ठीक है. और 8:59 पे पहला न्यूमेरिकल स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा. 9 o'clock यू मस्ट स्टार्ट सॉल्विंग. ठीक है. सो प्लीज बी ऑन टाइम. घर में ही हो, कहीं बाहर तो हो नहीं कि लोकल छूट गई थी या बस छूट गई थी कि ट्रेन छूट गई थी. वो सब बहाने तो अब गए, कोरोना ने सब भुला दिए बहाने. ठीक है. अब एक ही बहाना नेटवर्क नहीं था. ठीक है. और कोई बहाना बचा नहीं. एनीवे, चलिए तो देखो इक्वल रेजिस्टेंस है. 4 4 एम्पियर 4 एम्पियर इस तरीके से डिवाइड होगा. ये वाला ड्रॉप 8 R हो गया. ठीक है. तो ये वाला ड्रॉप हो गया कितना, 40 वोल्ट्स हो गया. बराबर. तो कोई भी एक लूप पकड़ लो, एक ही लूप नजर आ रहा है ये. सो 100 माइनस 8 R माइनस 40 इज 0. सो इट्स लाइक 60/8. 60/8 इज 7.5. ऑलराइट. 10 ohm एंड 10 ohm आर इन पैरेलल क्लियरली विजिबल. ठीक है. तो ये कर लिया है आपने. अगला बताइए. बस दिस इज लास्ट क्वेश्चन. आफ्टर दिस विल कॉल ऑफ द क्लास. म्यूट कीजिएगा. किसी ने अनम्यूट किया अपने आपको. प्लीज रिमेन म्यूटेड. गुड मॉर्निंग सचिन सर, दिस इज सचिन. हाँ सचिन सर. बस सर, आई एम ऑलमोस्ट डन. यस सर, आई जस्ट वांटेड टू यू नो हैव अ वर्ड. यस सर, यू फिनिश इट एंड देन आई विल हैव अ वर्ड विद द स्टूडेंट्स. या जस्ट 3 to 4 minutes एंड आई एम डन. श्योरली सर, श्योरली. हाँ बोलो भाई, फटाफट.
जी आंसर जल्दी से। अभिषेक कुछ गड़बड़ की है आपने। गौरव गड़बड़ की कुछ। चलिए देखिए, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेट अस सॉल्व इट क्विकली। देखो सभी लोग पे अटेंशन ऑन द बोर्ड, 4 ओम और 1 ओम पैरेलल में है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आप एक बात मुझे बताइए, ये अगर 2 एम्पियर लिख रखा है आपने, ये अगर 2 एम्पियर लिख रखा है, तो क्या मैं इसको आंख मीच के 8 एम्पियर लिख दूं क्या? यस या नो बोल दूं। भाई 1/4 रेजिस्टेंस है, 1/4 रेजिस्टेंस है तो 4 टाइम्स करंट ना, नो इज द इनवर्स रेशियो। 1/4 रेजिस्टेंस हो गया तो 4 टाइम्स करंट हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल हो गया। नाउ इट क्लियरली सेज दैट दिस पोटेंशियल मस्ट बी व्हाट, 8 वोल्ट्स? नो, तो ये 8 वोल्ट्स हो गया, ये वाला पूरा पोटेंशियल कितना हो गया? 8 वोल्ट। अच्छा, 2 एम्पियर और 8 एम्पियर, ये 10 एम्पियर हो जाना चाहिए। 2 और 8 10, अगर ये 10 है तो यहां पे ये गिरा देगा कितना वोल्टेज? 10 वोल्ट गिरा देगा विद दिस पोलैरिटी। अगर ये 10 वोल्ट है तो ये 18 है, फिर इसमें कोई शक नहीं है। 8 और 10, ये 18 वोल्ट है, ये 18 वोल्ट है, ये 18 वोल्ट पूरा पूरा इस 6 ओम के अक्रॉस है, 18 वोल्ट 6 ओम, तो ये 3 एम्पियर हो गया, इसमें कोई शक नहीं। इस वाले नोड पे देखो, 10 उधर जा रहा है, 3 नीचे जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 13 एम्पियर हो जाएगा, 13 एम्पियर। एंड यू कैन सी दिस आई इज नथिंग बट 13 एम्पियर इटसेल्फ, ठीक है। ये 13 एम्पियर यहां कितना गिराएगा? ये 13 एम्पियर यहां पे 13 वोल्ट गिराएगा, ठीक है। दिस इज 13 वोल्ट, और ये 18 है और ये 13 है, तो 18 और 13 कितना होता है? थर्टी वन वोल्ट होता है। तो ई क्या हो गया? 31 वोल्ट्स, और आई क्या हो गया? 13 एम्पियर। दीज आर योर आंसर्स, ठीक है। बस लास्ट वाली ब्रांच से शुरू किया, वोल्टेज ऐड करते करते, करंट ऐड करते करते, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड पे आ गए, ठीक है। इसके ऊपर क्लियर एंड नोटेड टाइप कीजिए जरा जल्दी से। इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलिए आज के लिए आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। लास्ट आपके क्लोजिंग कमेंट्स, हाउ वाज दिस सेशन टुडे भाई? हाउ वाज द सेशन? कैसा था सेशन आज का? क्लोजिंग कमेंट्स। सभी लोग गिव मी योर क्लोजिंग कॉमेंट्स प्लीज, हाउ वॉज द सेशन? नाइस नो। चलिए, सो फ्रॉम टुमारो बी ऑन टाइम। एंड अजय, नेक्स्ट टाइम काफी सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो कोई थोड़ा बहुत कोई डाउट रह गया हो तो डोंट वरी, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं और बहुत कुछ सीखना है अभी। ऑलराइट, सो विल मीट टुमारो 9 o'clock, प्लीज बी ऑन टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सर सचिन सर, Okay, good. Yes, sir. Good morning, friends. Good morning, students. I'm Sachin. You know me as I have taken your first interactive session. I hope you enjoyed the session. I can see. Good morning, Sanjivanshi, sir. Ha, good morning, sir. Because there was an issue in ICC about the schedule. So I Yeah, was it's resolving fine. that.
So I thought at the end I just come into no closing comment. So just wanted to tell students that this is what the training program will be throughout your Prerna scheme for GATE. And sir will be giving them a lot of questions as well as assignments, and I'll also be putting questions for the practice. The whole idea is to take this session very seriously and keep our aim for GATE 21 minimum qualification into picture and go ahead with the training program, with working on, because at the end of the day, if they cannot practice questions, it will not be fruitful. So we will aim for giving them more questions, solving more questions, and asking them to practice also. Rajnish sir, I would like to thank you on behalf of the college as well as from the students to be a part of this scheme and guiding our students for GATE 21 and 22 also. So thank you very much, Rajnish sir. We will your schedule will be continuous. Thank you students, and please join WhatsApp group so that we are connected. So any update on this? All right. Okay. Thank you so much, sir. Ask your friends also to join so that they can also get the benefits. So most of your concepts can get cleared, which can be helpful for typically placements for current students final year and third year as well. Okay, we shall end the meeting now. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.